यह मेरा जो पेज है इसमें केवल तंत्र के संबंध में ही चर्चा होगी, अन्य कोई चर्चा यहाँ नहीं होगी, क्योंकि तंत्र की जानकारियां हर व्यक्ति के पास पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं होती है, और जो भी उपलब्ध है वो केवल शास्त्रीय भाषा के अनुसार ही उस व्यक्ति के पास उतना ज्ञान है। आत्मीय ज्ञान बहुत कम है, किताबी ज्ञान से कुछ उपलब्धि हासिल नहीं होगी, क्योंकि यह तंत्र है। तंत्रों की अपूर्ण जानकारी से अवश्य ही नुकसान ही होता है, लाभ बिल्कुल नहीं होता। आजकल मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरिजाघरों में जब भी कोई व्यक्ति जाता है पीड़ित, तो उसके साथ में वही व्यवहार होगा सबसे पहले कि मेरा क्या लाभ होगा। दुकानदारी हो गई धर्म के नाम पर, दलाली हो गई, दुकानदारी हो गई धर्म के नाम पर, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आप पहले ही परेशान हो, पहले ही पीड़ित हो, और आप हमारे पास पहुंचते हो और कहते हो कि गुरुदेव आप हमारी रक्षा कीजिए। आप पहले पीड़ित हो और मैं आपके जेब के ऊपर अपनी नजरें डालूं, निगाहें गड़ा दूं और कहूं कि पहले मेरे आश्रम में इतना काम बाकी है, पहले आप निपटा दो, इतना डोनेशन भर दीजिए। आपकी मजबूरी है, आप दे दोगे, मरता क्या न करता। यदि आपने स्वेच्छा से दान दिया है तो वह दान एक रुपए का करोड़ की बराबरी रखता है, लेकिन यदि मैंने बलात्कार पूर्वक यदि आपका दान स्वीकार किया है, लिया है, तो ईश्वर या मेरी आत्मा कोसेगी मुझे, आत्मा की संतुष्टि नहीं हो पाएगी। तंत्र का ज्ञान असाधारण है। इस पेज का नाम ही मैंने काली किताब रखा है। काली किताब है क्या, वास्तविकता इसकी क्या है और क्या इसकी सच्चाई है, धीरे धीरे आप सबको जानने मिलेगा। आज मैंने वीडियो अपलोड कर दिया श्मशान का, जल टीवी चीता का आपने आज वीडियो देखा, लेकिन उसके अंदर कुछ सत्य और तथ्य था, इसीलिए मैंने वो वीडियो अपलोड किया। यदि मेरे किसी भाइयों को, शिष्यों को, भक्तों को, मित्रों को और प्राणप्रिय शत्रुओं को यदि वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो मैं इतनी ही प्रार्थना करूंगा कि आप वो पेज का त्याग कर दीजिए, क्योंकि मैं तो वहां पर वही पेज अपलोड करूंगा, वही पोस्ट अपलोड करूंगा जिसका अनुभव मैंने स्वयं लिया है। वहां कोई फेक न्यूज नहीं होगी, ना कोई फेक वहां कार्य होगा। उन्हीं व्यक्तियों के सवालों का जवाब अवश्य दूंगा जिनका देना जरूरी होगा, जिनके जवाब अंतस से निकले होंगे, और जिन जवाबों को मेरे को देना ही होगा, मैं समझूंगा उन जवाबों को, क्योंकि मैं पहुंचूंगा उनके हृदय तक यदि उनके जवाब हृदय से निकले हैं तो, क्योंकि यह मजाक का विषय नहीं है। जब आपके पेट में दर्द होने लगता है ना, डॉक्टर की याद तभी आती है आपको, परमात्मा भी वही है। तंत्र मंत्र के द्वार से गुजरकर हम परमात्मा तक अवश्य पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे बताऊंगा जरूर आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सबका कल्याण हो, सबको आशीर्वाद। जय पारसनाथ, जय महाभारती।